सरकार द्वारा बड़ी तेजी से कार्य किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को शिक्षा की बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। इसी के तहत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा सांगानेर के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में कक्षा कक्षों का लोकार्पण किया गया। आइए इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सांगानेर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय प्रताप नगर में निर्मित कक्षा कक्षों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न व्यापार मंडलों और सामाजिक संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं के अनुरूप विकसित राजस्थान के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित राज्य बजट 2024-25 में प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया गया है। हर क्षेत्र और हर वर्ग को कई सौगातें दी हैं। प्रदेश के विकास के लिए बिजली और पानी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसलिए राज्य सरकार इनकी पर्याप्त उपलब्धता के लिए विशेष ध्यान दे रही है। राज्य सरकार प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार जन प्रतिनिधियों की मांग के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार सहित विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में जिन कॉलोनियों का नियमन हो गया है वहां अब सड़क, बिजली, पानी आदि विकास के काम तेजी से किए जा रहे हैं। इससे आमजन को सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित हो सकेंगी। वर्तमान में लगभग 3,100 करोड़ रुपए के काम सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के लिए करवाए जा रहे हैं। इससे सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास हो सकेगा। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर के एसएमएस स्टेडियम से इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राइड फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, पैडल फॉर द प्लैनेट और चलो प्रकृति की ओर के संदेश के साथ आयोजित किए गए इस दूसरे साइक्लोथॉन में 12,000 से अधिक युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है, पर्यावरण के क्षेत्र में यह बहुत बड़ा संदेश देने का काम है। पर्यावरण तो बचाएंगे लेकिन स्वास्थ्य को भी हम ठीक रख पाएं, इसके लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। मित्रों, हमें सोचना चाहिए कि हम अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति भी छेड़छाड़ करेगी। इसलिए आवश्यक है ऐसे समय में जो साइक्लोथॉन का कार्यक्रम या इन्होंने रखा है, बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग साइकिल लेकर के घर से निकले हैं और प्रकृति का संदेश देने के लिए जा रहे हैं। ये साइकिल रैली एसएमएस स्टेडियम से प्रारंभ होकर अल्बर्ट हॉल पर समाप्त हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण को बचाने और एक पेड़ माँ के नाम लगाने की अपील भी की।
हर व्यक्ति को सोचना भी चाहिए कि हम कितना प्रदूषण कर रहे हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में हम कितना काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को भी मैं कहना चाहता हूं, जन जन से ये अपील भी करना चाहता हूं कि हमको हमारी प्रकृति को संभालने का काम करना है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की एक एक जन से कहना चाहता हूं कि हम एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं और पर्यावरण का संरक्षण करें, ये आवश्यक है। और अगर पर्यावरण हमारा ठीक प्रकार से होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी होगा और हम अच्छी तरह से हमारे पर्यावरण को संभालेंगे तो प्रकृति भी हमारा साथ देगी। इस रैली के जरिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने में मदद मिलेगी और वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रेरित होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रेलवे स्टेशन से जयपुर जोधपुर इंटरसिटी सुपर फास्ट ट्रेन द्वारा जोधपुर पहुंचे। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने ट्रेन की अलग अलग बोगियों में जाकर यात्रियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोग हर्षित हो उठे। बच्चों, युवाओं और महिलाओं में उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ नजर आई। इस दौरान उन्होंने बुजुर्ग यात्रियों के बीच जाकर उनसे बातचीत की और आशीर्वाद लिया तथा बच्चों को दुलार किया। ट्रेन के विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेन के रुकने के दौरान स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीकर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दाता रामगढ़ में सांगलिया धूड़ी पीठ में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने संत महात्माओं का आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने यहां समाधियों को नमन करते हुए संतों का स्मरण भी किया। सांगलिया धूड़ी पीठ के संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री बाबा खीवादास जी महाराज की 23वीं पुण्यतिथि पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल विवियन भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।